हरिद्वार में प्लास्टिक की कैन और पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगने के बाद गंगा जल ले जाने के लिए स्वयं सहायता समूहों ने इसका विकल्प तैयार किया है। हरिद्वार नगर निगम के सहयोग से महिला समूह ने बांस की बोतलें और चटाई बनाई हैं। इन उत्पादों को तैयार करने का उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना और हर की पैड़ी पर प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगाना है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन उत्पादों के स्टॉल का उद्घाटन किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम और स्वयं सहायता समूह की इस पहल की सराहना की। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्वदेशी रूप से तैयार ये प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते और सुलभ हैं और इनका उत्पादन आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि लोग प्लास्टिक की कैन की जगह इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकें। हरिद्वार से राम गोपाल की रिपोर्ट।